आदर्श नगर थाने में तैनात दो महिला कांस्टेबल्स की सूझबूझ से एक बड़ी वारदात चल गई। महिला हेड कांस्टेबल जस्मीन और पूजा ने खबर मिलने के बाद एक सिरफिरे प्रेमी को पीछा कर दबोच लिया और उसके पास से चार राउंड जिंदा कारतूस बरामद किए। सुनील नाम का यह सिरफिरा प्रेमी तब एक फैशन डिजाइनिंग की छात्रा को जबरन उसके क्लास से अगवा कर रेलवे ट्रैक की तरफ ले जा रहा था। सुनील के पास से एक खत भी मिला है जिसमें उसने हत्या के बाद आत्महत्या करने की बात लिखी है। पकड़े जाने पर सुनील नाम के इस युवक ने जेब में रखी सल्फास की गोलियां खा ली। उसे फौरन बाबू जगजीवन राम अस्पताल में दाखिल करवाया गया जहां उसका इलाज इस वक्त किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस में बहादुर महिला पुलिसकर्मी। जी हां, आपको बता दें कि आदर्श नगर थाने इलाके में एक लड़की को कुछ लड़के अपहरण करके ले जा रहे थे, तभी पूजा और जसवनी की नज़र उन पर पड़ती है और अपनी जान की परवाह किए बगैर अपहरणकर्ता से उस लड़की को छुड़ा लेती है। क्या है पूरा मामला, बात करते हैं। पूजा, कब आपको सूचना मिली थी इस बारे में? एक्चुअली हम वहाँ बीट परिवर्तन की मीटिंग के लिए गए थे, तब दो लड़के आए हमारे पास और बोले कि मैडम एक वो जो लड़का है वो पिस्टल है उसके पास और लड़की को किडनैप करके जबरदस्ती लेकर जा रहा है। तब हम उसकी तरफ भागे और उसी दौरान मैंने SHO साहब को भी फ़ोन कर दिया कि सर ऐसे ऐसे यहाँ पर हुआ है सर। और फिर उसके बाद मैडम ने उसको, जिसके हाथ में पिस्टल थी, अक्यूज को उसको पकड़ा, दबोच लिया और मैंने लड़की को साइड में किया। जी आप देख तस्वीरें में देख सकते हैं किस तरह से जिंदा कारतूस और हथियार उसके पास थे। बात करते हैं जानवी से भी। जानवी, आपको क्या डर नहीं लगा उस वक्त? आप क्या सोच रही थी? क्या आपको उस वक्त अपना फर्ज याद आ रहा था? आपको लगा कि नहीं सामने वाले के पास हथियार है? नहीं हथियार, डर नहीं लगा, बस हमें ये था कि भाई अगले वाले लड़की की जान खतरे में, हमें उसको बचाना है। क्योंकि हमें SHO साहब बिल्कुल मोटिवेट करते रहते हैं, भाई डरना नहीं है, हमें डटकर ऐसी जैसे ये होता है इंसिडेंट, इनका अपना डटकर मुकाबला करना है। एक लेटर मिला, वो लेटर क्या था जानवी? लेटर शायद एक सुसाइड नोट है, उसमें लिखा हुआ कि भाई आज मैं इसको ख़त्म कर दूंगा और इसके और कोई जिम्मेदार नहीं होगा, मैं ही जिम्मेदार हूँ इसकी, अगर ये आज इसको मैं मारता हूँ तो, ऐसा ही कुछ लेटर। बिल्कुल, हमारे साथ आदर्श नगर थाने के SHO संजय कुमार ही मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या समय समय पर महिला पुलिसकर्मियों के लिए क्या सेल्फ डिफेंस का प्रोग्राम आपकी तरफ से आयोजित किया जाता है? यस, हमारे डिस्ट्रिक्ट में सेल्फ डिफेंस का प्रोग्राम है। ये दोनों वुमेन पुलिस अफसर सेल्फ डिफेंस के प्रोग्राम को कंडक्ट कराती हैं, ट्रेनिंग दिलाती हैं स्कूलों में, और ये पूजा खुद जो है कमांडो का कोर्स किया हुआ है इसने। सर, जो एक्यूज है और जो पकड़ा गया है उसकी प्रोफाइल क्या है? क्या इसे एक तरफा प्यार आप मान सकते हैं या किसी मनचले की करतूत आप कह सकते हैं? हाँ, ये एक तरफा ही प्यार है क्योंकि जुलाई 2015 में हमने उसके खिलाफ 354 का केस रजिस्टर किया था और उसको जेल भेजा था। तो उसी में जो उसने नोट लिखा है उसमें कहा कि आज इसको मैं मार दूंगा, इसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है, इस तरह का उसने कुछ लिखा है उसमें। तो आप ये मानते हैं कि मनचलों के लिए दिल्ली पुलिस की तरफ से एक संदेश भी है कि अब महिला पुलिसकर्मी भी पूरी तरह से मुस्तैद है मनचलों को सबक सिखाने के लिए? यस, हम बिल्कुल तैयार हैं, हमारी महिला पुलिसकर्मी बिल्कुल तैयार हैं, हम भी तैयार हैं, हम मनचलों को सबक सिखा कर रहेंगे। बिल्कुल, आमतौर पर राजधानी दिल्ली में हमेशा ये खबर आती है कि लड़की के साथ छेड़खाने की वारदात की बात हमें सामने आती है, जिसे देखते हो दिल्ली पुलिस ने एक सेल्फ डिफेंस प्रोग्राम महिला पुलिस कांस्टेबल के लिए लगाया था जिसका परिणाम यही है कि मनचले आज पुलिस की गिरफ्त में। हालांकि इसे एक तरफा प्यार का नतीजा भी माना जा रहा है। कैमरा पर्सन रणबीर के साथ पवन मिश्रा, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, दिल्ली।